नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंड अप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। तेलुगु राज्यों में श्रमिकों और किसानों का संयुक्त विरोध प्रदर्शनों से पहले व्यापक अभियान। मजदूरों किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए इप्टा की गीतों के जरिए अपील। कोरोना अपडेट, देश में आज दूसरे दिन भी एक्टिव मामलों में 2524 मामलों की बढ़ोतरी। मुसलमानों का घटता प्रतिनिधित्व भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों? राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के अंतिम फैसलों का पश्चिमी एशिया पर क्या होगा असर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को समाप्त करने और नए श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए तेलुगु राज्यों के मजदूर और किसान यूनियन आगामी विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर अपने आरंभिक अभियान को तेज कर रहे हैं। ये यूनियनें 26 नवंबर को आम हड़ताल और 26 से 27 नवंबर को किसान विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इन यूनियनों का कहना है कि 2 दिन का विरोध ऐतिहासिक होने जा रहा है। बीड़ी मजदूर, हमाली, परिवहन कर्मचारी, औद्योगिक श्रमिक, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, हेल्थ वर्कर्स, स्कीम वर्कर्स, सिनेमा वर्कर्स, निर्माण श्रमिक, आशा, खेतिहर मजदूर, सीमांत, छोटे और मध्यम किसान और उत्पीड़न वर्गों के अन्य मजदूर वर्ग के लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विभिन्न जन संगठनों द्वारा हड़ताल के लिए चल रहे जिला और मंडल स्तर के अभियानों के दौरान विरोध में शामिल होने का उत्साह दिखा रहे हैं। 81 साल के लोक शिल्पी देवीदास तरफदार के अनुसार 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल की तैयारी में सलील चौधरी, हेमंगा विश्वास और हेमंता के हिंदी जनवादी गाने और साथ ही परंपरागत संगीत हवाओं में गूंज रहे हैं। रोचक बात यह है कि 40, 50 और 60 के दशकों में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सलील चौधरी और मंटू रॉय चौधरी जैसे गायकों ने तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किया था और अपने जोरदार गीतों से जनता में जोश भरने का काम भी किया था। न्यूज क्लिक से बात करते हुए तरफदार ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनकी जीवनचर्या और अर्थव्यवस्था को छीनकर कसाई जैसा काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे हालात में हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता, हम हमेशा आंदोलन से जुड़े रहेंगे। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के दौरान लोकशिल्पी का ज्यादातर काम ऑनलाइन ही हुआ है। हालांकि संगठन के साथ जुड़े एक गायक सोमनाथ मुखर्जी का कहना है कि हड़ताल से पहले ऑफिस में कुछ गायकों ने ताजी ऊर्जा भरने का काम किया है। तरफदार ने पूर्व CPIM पोलिट ब्यूरो सदस्य मोहम्मद अमीम साहब के सारे जहां से पूछा जैसे क्रांतिकारी गीतों के बारे में बात की और साथ ही फैज अहमद फैज, कैफी आजमी और इकबाल के गानों का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे बताया कि जनता की मांग पर कई बंगाली गानों को भी पिछले 2 साल में गाया गया है और उनकी CD पर सकारात्मक रवैया देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 23 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,059 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 511 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 41,024 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और आज दूसरे दिन भी कुल एक्टिव मामलों में 2524 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 91,39,865 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,33,738 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट 93.68% हो गया है, यानी अब तक कुल मरीजों में से 85,62,641 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश भर में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 4,43,486 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 13,25,82,730 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 8,49,596 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। JDU के भाजपाईकरण का एक संकेत यह है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बिहार विधानसभा में एक भी मुसलमान विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। देश के व्यापक सामाजिक राजनीतिक परिवेश के लिए मुसलमानों के सिकुड़ते प्रतिनिधित्व के क्या मायने हैं? इतिहास के पन्ने के इस अंक में वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय इस सवाल और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं। आइए उन्हें देखते हैं। जो प्रैक्टिस 1952 के चुनाव में देखा जा रहा था वही 2014 तक देखा जा रहा, मुख्य रूप से जनता में BJP का पब्लिक एक्सेप्टेंस राम जन्मभूमि और उसके बाद के डेवलपमेंट से हुआ। रेफरेंस पॉइंट में
पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली आ गया वहां के माइनॉरिटीज का स्टेटस, और हिंदुस्तान का कम्युनलाइजेशन का प्रोसेस व्यापक होता गया। कुछ वर्ष पहले सोनिया गांधी ने रिग्रेटफुली कहा था, कांग्रेस को प्रो माइनॉरिटी पार्टी माना जाता है। ये बीजेपी की राजनीति का सफलता का संकेत है कि जिस प्रैक्टिस को या जिस प्रैक्टिस पर एक समय कंसेंसस था, हर पॉलिटिकल पार्टी गर्व महसूस करती थी कि हम माइनॉरिटीज का ध्यान देते हैं, दैट हैड बिकम अ हैंडीकैप इन इंडियन पॉलिटिक्स। बीजेपी को लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन से बहुत फायदा हुआ। जनवरी 2018 में देश भर में बीजेपी के 1408 स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स थे। इन एमएलएज या फिर एमएलसीज में से मात्र 4 मुस्लिम थे। मुस्लिम्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, हिंदुस्तान में किसी भी सेक्टर को उठा के देखिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस यूनिट्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज और प्रोफेशनल सेक्टर्स, यहां तक कि हमारे मीडिया सेक्टर में भी आप देखिए, वही सेम कहानी है। मुस्लिम्स उस मात्रा में नहीं मिलेंगे जिस मात्रा में देश में पाए जाते हैं। मार्च 2005 में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक हाई लेवल कमिटी अपॉइंट की थी टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने इस कमिटी की अध्यक्षता की थी और उनकी रिपोर्ट नवंबर 2006 में सबमिट की गई थी। मुख्य फाइंडिंग्स चौंकाने वाले थे, मुसलमानों में लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से भी नीचे था। सच्चर कमिटी की रिपोर्ट ने एक मिसकंसेप्शन और हिंदुत्व फोर्सेस का एक प्रिंसिपल कैंपेन पॉइंट को नेगेट किया। सच्चर कमिटी के रिपोर्ट में लिखा गया था कि ओनली 3% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन वर अमंग द वंस हु वेंट टू मदरसास। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में वर्कर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सच्चर कमिटी रिपोर्ट, द रेशियो ऑफ मुस्लिम्स वाज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली लोअर। कमीशन के रिपोर्ट में ऑब्जर्व किया गया था कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज द रिलेटिवली हाई शेयर ऑफ मुस्लिम वर्कर्स एंगेज्ड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेसेस में रहने के बावजूद एक्सेस ऑफ मुस्लिम्स टू बैंक क्रेडिट बहुत कम और दूसरों के तुलना में बहुत नीचे है। इसके पीछे लोन डिस्पेंसिंग ऑफिसर्स का मुस्लिम्स के प्रति प्रेजुडिस विच इज प्रोपगेटेड बाय द पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ द बीजेपी एंड इट्स एफिलिएट्स एंड एलाइज। मुसलमानों में लैंडलेसनेस भी ज्यादा पाया गया सच्चर कमिटी द्वारा, सिर्फ दलित उनके नीचे थे इन टर्म्स ऑफ लैंड होल्डिंग। बिहार के चुनाव में AIMIM के सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस पर बहुत टिप्पणियां हुई हैं। कहा गया है ओएसी प्लेड द बीजेपी गेम बाय कटिंग इनटू द वोट्स दैट ट्रेडिशनली वेंट टू द आरजेडी। लेकिन ये उतना ही सिंपलिस्टिक एनालिसिस है जितना बीजेपी ने अपना नॉर्मल टैक्टिक्स बनाया है टू विप अप कम्युनल पैशंस। इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 के नतीजों के बाद मुसलमानों में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत डीपन और अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक पहुंच गया है। CAA और NRC के खिलाफ जो आंदोलन हुए उसमें मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन पार्टीज वर आइदर कॉन्स्पिकुअस बाय देयर एब्सेंस और रिमेन कंप्लीटली साइलेंट। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर कंफ्यूजन कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज में अभी भी दिखाई दे रही है। ऐसे हालात में AIM जैसी पार्टी जो अपने व्यू पॉइंट को इन मुद्दों पर जो माइनॉरिटीज को इफेक्ट करते हैं उस पर अपने विचारों को
व्यक्त करने में झिझकते नहीं हैं। मुस्लिम वोटर्स के सामने वे वायबल और क्रेडिबल अल्टरनेटिव के तौर पर उभर गए हैं। इससे शायद बीजेपी को रिवर्स पोलराइजेशन में फायदा होगा, लेकिन राजनीति दबे स्वरों में नहीं की जा सकती है। डिक्लाइनिंग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक राजनीति और तमाम सेक्टर्स में एडिक्वेट मुस्लिम प्रेजेंस नहीं दिखेगा, तब तक उनके एलियनेशन के प्रोसेस को नहीं रोका जा सकेगा। डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन के हिसाब से मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टेबलाइज होने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। इतने बड़े माइनॉरिटी सेक्शन अगर कॉन्स्टेंटली मार्जिनलाइज्ड फील करती रहेगी, तब देश में सोशल हार्मनी कहां से बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वे जनवरी 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। खबरों के मुताबिक तमाम दूसरे फैसलों के साथ साथ उन्हें ईरान पर हमला करने से भी रोकना होगा। न्यूज लीक के प्रमुख संपादक प्रवीण पुरकास्ता, ट्रंप की विदेश नीति से जुड़े फैसलों का मध्य पूर्व पर क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका में ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये काफी लंबा होता है। दूसरे मुल्कों में इतना नहीं होता है, 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन, इस तरह का होता है। पर यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, हम जो जानकारी है, जनवरी 20 तारीख तक ये लेम डक ट्रंप सरकार रहेगी। तो इस दौरान वो जो कदम लेंगे वो अमेरिकी सरकार के कदम है, पर युद्ध में जाना और खास तौर से बिना सेनेट, बिना कांग्रेस की परमिशन, उस कोई रेजोल्यूशन के बिना युद्ध में डाल देना, ये उनके एडवाइजर्स ने मेरे ख्याल से लगा कि एक इस तरह की एक लेम डक सरकार जिसे कहते हैं, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो ट्रंप की इस कदम को उन्होंने सुझाव जो दिया, उसे ट्रंप उससे हट गए, पीछे हट गए लगता है। पर हकीकत तो ये है कि समझौता ईरान की तरफ से टूटी नहीं थी, इसीलिए बाइडेन जो अभी कह रहा है यह है कि हम वापस तो आएंगे, पर उसमें और भी कोई नए चीज डालने की कोशिश करेंगे। ये अगर होता है तो मुझे नहीं लगता कि ईरान इससे सहमत होगा, और अगर सहमत भी होता है, ईरान का मानना यह है कि 4 साल की सरकार है, इसके बाद नई सरकार जो भी आएगी वो फिर समझौता टूट सकती है, तोड़ सकता है। तो इसीलिए अमेरिका के साथ समझौता करने में खास कोई फायदा नहीं नजर आता है, खास तौर से उन्होंने पिछले फैसले जो लिए थे जिसके मुताबिक उन्होंने उनका 97% जो एनरिच्ड यूरेनियम था उन्होंने वो छोड़ दिया था, वो रशिया में भेज दिया था, और उनके जो सेंट्रीफ्यूजेस थे उसका अधिकांश उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, नाकाम कर दिया था। उन्होंने जो रिएक्टर थे, उस रिएक्टर्स बना रहे थे, उसके बारे में ही उन्होंने उसका प्रक्रिया जो थी उसको रोक दिया, वो कुछ मेडिकल रिएक्टर में परिणत कर दिया। तो ये जितने कदम लिए थे एक गुड फेथ में लिए थे कि अमेरिका अपना जो सैंक्शंस है वापस करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस वापस होगा और एक नॉर्मलसी ईरान में वापस आएगी एक्सटर्नल ट्रेड के लिए। जब ये नहीं हुआ और अमेरिका के सैंक्शन बाइडेन सरकार वापस लेना भी चाहे, कितना दूर तक ये हो पाएगा, सेनेट की जो अभी भी मेजॉरिटी रिपब्लिकन पार्टी के पास है और ट्रंप का वहां बोलबाला है, इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता ईरान का इसमें कोई खास दिलचस्पी है एक फिर अमेरिका के साथ न्यूक्लियर समझौता दोबारा करे। सवाल ईरान के लिए यह है, क्या जो दूसरे देश है जिन्होंने ट्रंप के इस कदम को नहीं माना था, वो क्या ट्रेड रिलेशंस फिर ईरान से बरकरार रख पाएंगे या दोबारा एस्टैब्लिश कर पाएंगे? क्योंकि अमेरिका की सैंक्शंस एक तरफा होने के बावजूद दूसरे देशों पे इसीलिए कारगर होता है क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम जो है
जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है ये तो स्विफ्ट सिस्टम के जरिए होता है, ये तो बैंक्स के जरिए जो होता है वो भी स्विफ्ट सिस्टम के पार्ट होते हैं, पर बैंक्स के जरिए जो होता है वो बैंक्स पे अमरीकी सैंक्शन अगर लग जाता है तो उन बैंक्स के लिए कोई कारोबार धंधा चलाना मुश्किल हो जाता है। इसको देखते हुए इस अमरीकन सैंक्शंस को इनकार करते हुए भी उन्होंने यूरोपियन नेशंस जो दूसरे मुल्क है उन्होंने इसको माना। सिर्फ रशिया और चीन ने ईरान के साथ उनके संबंध बरकरार रखे और एक तरह से एक से कहते हैं ट्रेड जो होता है बार्टर ट्रेड कि हमने आपको कुछ दिया आपने उसके एवज में कुछ दिया, इस तरह से ट्रेड किया। अमेरिका के स्टेट इंडिया के स्टेट बैंक उन्होंने भी सैंक्शंस के वजह से पीछे हट गए। अमेरिका की दबाव के लिए अब भारतवर्ष भी वहां ईरान से तेल नहीं खरीदता। तो ये जो चीजें हैं इसकी नॉर्मलसी क्या आ पाएगी और बाइडेन सरकार क्या इसको रीएस्टैब्लिश कर पाएगा कि ये हम नहीं करेंगे, हम सैंक्शंस इस तरह से दूसरे देशों पर नहीं लागू करेंगे ताकि ईरान में एक नॉर्मलसी आए। अगर नॉर्मलसी आता है तो ईरान ने कहा है कि वो अपने जो ईरान की जो समझौता थी जिसमें सिर्फ अमेरिका नहीं और भी राष्ट्र थे उनके अगर वो वापस आते हैं और वो नॉर्मलसी रिस्टोर होता है ट्रेड में अमेरिका के अलावा तो वो इस एग्रीमेंट के वो ऑनर करेंगे, उस एग्रीमेंट के साथ वो रहेंगे। पर अगर नहीं होता वो कुछ ट्रेड इसमें अमेरिका को उन्होंने कहा कि हम इसकी आप जो कह रहे हैं गलत है हम इस समझौते को नहीं तोड़ेंगे, पर इस न तोड़ने के बावजूद कि ट्रेड जब बंद हो गया तो एक हिसाब से उन्होंने अमेरिका के दबाव मान लिया। वो अगर बाइडेन सरकार के साथ मिलके अगर वो चीज एक नॉर्मल सी आती है तो ईरान का कुछ स्टेक होगा इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल से ईरान इस एग्रीमेंट को और स्वीकार नहीं करेगा। तो इसीलिए टेंशन जो बना हुआ था इस एग्रीमेंट के पहले तो फिर वापस आने की संभावना मुझे नजर आता है। देखना पड़ेगा दूसरे मुल्क क्या करते हैं, चाहे वो यूरोपियन मुल्क है चाहे भारतवर्ष है, हम क्या करते हैं इस पर बहुत कुछ निर्धारित होगा। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।